गाइस हे, दिस इज नाइट बिफोर माय बर्थडे. 1 hour 50 minutes में मेरा बर्थडे शुरू हो जाएगा. और एक्चुअली ऑलरेडी डेकोरेशन हो चुका है और मेरा बर्थडे शुरू नहीं होगा. ऑब्वियसली उस टाइम पर मैं सोई रहूँगी क्योंकि मैं इतनी लेट तक नहीं जागती. सो या मैं सुबह मिलती हूँ आप सबसे जब मैं अच्छे से तैयार हो गई रहूँगी. और यहाँ का जो सब कुछ डेकोरेशन है उसका फोटो मैं अभी ऐड कर दूँगी इसके आगे, सो दैट यू कैन सी. So, okay, I'll meet you tomorrow morning. So, hey guys, I know it's a bad light in the second. Yeah, so guys, अभी just मैं तैयार हो गई हूँ और actually अब मुझे classes करना है. As you can see, my PC setup is right now here. So, yeah, मैं आपसे classes करके मिलती हूँ जब मेरे classes ख़त्म हो जाएंगे और हम लोग chocolate वगैरह लेने जाएंगे. एज यू कैन सी दिस वॉज माई केक फॉर माई बर्थडे पार्टी. मैंने अपना बर्थडे पूरा BTS थीम किया था, जैसे कि आप देख सकते हैं डेकोरेशन से. सब कुछ पर्पल था और मैंने सबको कहा भी था कि पर्पल एंड पिंक पहन के आने के लिए, लेकिन हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं था. सो एज यू कैन सी यहाँ पर हमारा ये आरती चल रही है, मतलब मेरी आरती उतार रहे थे सब लोग. सो यहाँ पे एक्चुअली सब लोग बहुत ज़्यादा मीठा मीठा खिला रहे थे मुझे, तो उसकी वजह से मैं बहुत थोड़ा थोड़ा खा रही थी. और एक्चुअली मेरे बर्थडे पार्टी में काफ़ी सारे बच्चे भी थे छोटे, जैसे कि मेरे कुछ बेबी फ्रेंड्स. और ये आप मेरा केक देख सकते हो. और मैंने शरारा पहना था एंड तो बहुत अच्छी चल रही थी. ये मेरे फ्रेंड्स, मेरी मम्मी के फ्रेंड्स, मेरी लच्चारदी उधर रहे थे. सो या यहाँ पे मतलब आई गेस 5-6 आंटीज ने मेरी आरती की एंड देन हमने केक कट किया. एज इंडिया में ऑब्वियसली बर्थडे में केक कट करने से पहले हम लोग आरती करते हैं बर्थडे गर्ल या फिर बॉय व्हाटएवर. सो हाँ,
गाइस, तो कल मेरा बर्थडे था और इससे पहले मैं काफ़ी देर तक व्लॉग शूट कर रही थी, तो आज हम लोग देखने वाले हैं मेरी बर्थडे का व्लॉग। सो लेट्स कंटिन्यू।